मेरा भी नहीं है भारत, ना उद्धव ठाकरे का भी है, ना ओवैसी का है, ना मोदी का है, ना शाह का है। दोस्तों ओवैसी साहब, इनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसे पॉलिटिशियन है जिनकी पूरी पॉलिटिक्स एक पर्टिकुलर धर्म की राजनीति पर टिकी हुई है, और ये उस पर अपनी रोटियां सेक रहे हैं, और ये हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे बयान देते हैं जो भड़काऊ बयान होते हैं और समाज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले बयान होते हैं। एक पर्टिकुलर समुदाय को भड़काना इनका काम है, और उनको भड़का कर अपनी ये राजनीति चला रहे हैं। दोस्तों अभी रिसेंटली इन्होंने एक नया विवादित बयान दिया है, वो वीडियो काफी वायरल हुई है। मैं चाहता हूँ आप भी ये वीडियो जरूर देखें। अब भारत किसका है मालूम आपको? मेरा भी नहीं है भारत, ना उद्धव ठाकरे का भी है, ना ओवैसी का है, ना मोदी का है, ना शाह का है। भारत अगर किसी का है तो द्रविड़ियन का है, आदिवासियों का है, द्रविड़ियन और आदिवासियों का है। मीडिया वालों तुमको मसाला दे रहा हूं, मगर याद रखो अगर तुम चलाओगे तो फंस जाओगे। चलाओ, मेरे को कोई बात नहीं है, क्योंकि दूल्हे का नाम लेकर ही तो नाम चलता। चलाओ। तो चार लोग आए थे माइग्रेशन हुआ, ये मुसद्दे था आपसे कह रहा हूं, मगर बीजेपी आ रहा है तो मोगल आए, मोगल आए, मोगल आए, मोगल आए। अभी अफ्रीका से भी तो आए थे, ईरान से भी आए थे, सेंट्रल एशिया से भी आए थे, ईस्ट एशिया से भी आए थे, ये सब मिले तो भारत बना। मगर आदिवासी यहां का है, द्रविड़ियन यहां का है, ये आर्यन आए थे 4000 साल पहले।